तो आपको अपने कीबोर्ड पे विंडो बटन दबाना है और सिंपली सर्च करना है MS Config के नाम से, और आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक ऐप मिल जाएगा। तो सिंपली इसे ओपन कर लेना, तो अपने कीबोर्ड पे एंटर दबाइए। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा जब आप ओपन करेंगे। तो इधर दो या तीन टैब है जो कि जनरल, बूट, स्टार्टअप, ऐसा टूल्स वगैरह। तो सेकंड वाला टैब पे चलना है जो कि है बूट। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर मैं करेंट OS विंडोज 7 चला रहा हूँ जो कि सी ड्राइव पे है, और ये डिफ़ॉल्ट OS भी है। तो इधर दो तीन विंडोज़ और पड़ा है जो कि मल्टीपल विंडोज़। तो सिंपली अगर आप इसे नहीं चाहते हैं जो विंडोज 7, तो इसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आके डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इधर क्लिक कर लेना। और इसी तरह जो जो विंडोज़ आपको नहीं चाहिए सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना और डिलीट का बटन दबा देना, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं सभी को डिलीट करता हूँ सिवाय करेंट OS छोड़ के। तो जब आपका डिलीट हो जाएगा तो सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना और सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आपको रिस्टार्ट अभी करना है तो रिस्टार्ट कर सकते हैं, या तो एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट पर दबाइए।